दोस्तों बॉलीवुड में अभी तक बहुत सारे मूवी बने हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे मूवी ऐसे हैं जो कि हिट रहे हैं, सुपर हिट रहे हैं, ब्लॉकबस्टर रहे। लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में 1940 से लेके 2021 तक का जितने भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी रहे हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में उस मूवी का बजट और कलेक्शन बताने वाला हूं, उन सब मूवी को कितने में बनाया गया था और उन सब मूवी का कितना लाइफ टाइम कलेक्शन रहा। दोस्तों अभी तक बॉलीवुड में जितने भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी है सभी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले। यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला मूवी की बात करें तो पहला मूवी का नाम है किस्मत। यह मूवी आई थी 1943 में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को 2 लाख के बजट पर बनाया गया था और इस मूवी ने इंडिया से पूरा नेट कलेक्शन किया था 1 करोड़ का, और यह मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। दूसरे नंबर पर जो मूवी है उस मूवी का नाम है रातें। यह मूवी 1944 में आई थी। अगर इस मूवी का बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट 75,000 था और इस मूवी ने टोटल 1 करोड़ का कलेक्शन किया था और यह मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। तीसरे नंबर पर जो मूवी है उस मूवी का नाम है मदर इंडिया। यह मूवी 1957 में आई थी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को 1 करोड़ की बजट पे बनाया गया था और इस मूवी ने इंडिया से टोटल नेट कलेक्शन किया था 4 करोड़ का और यह मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर पर जो मूवी है उस मूवी के नाम है मुगले आजम। और इस मूवी का टोटल कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने टोटल 5,50,00,000 का कलेक्शन किया था। यह मूवी 1960 में आई थी और इस मूवी को 60,00,000 की बजट पे बनाया गया था और यह मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। पांचवें नंबर पर जो मूवी है उस मूवी का नाम है जय संतोषी माँ। यह मूवी आई थी 1975 में। दोस्तों इस मूवी का बजट तो रिवील नहीं किया गया, लेकिन इस मूवी का टोटल कलेक्शन है 5 करोड़ और यह मूवी उस समय ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। छठे नंबर पर जो मूवी है उस मूवी का नाम है शोले और यह मूवी भी 1975 में आई थी। और इस मूवी के बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट 3 करोड़ था और इस मूवी ने टोटल इंडिया से नेट कलेक्शन किया था 15,50,00,000 का और यह मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगली मूवी की बात करें तो अगला मूवी है राम तेरी गंगा मैली। यह मूवी आई थी 1985 में और इस मूवी के बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट 5 करोड़ था और इस मूवी ने टोटल कलेक्शन किया था 9,50,00,000 का और यह मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अगला मूवी है मैंने प्यार किया। यह मूवी 1989 में आई थी और इस मूवी के बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट 4 करोड़ था और इस मूवी ने टोटल कलेक्शन किया था 14,31,00,000 का और यह मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अगला मूवी की बात करें तो अगला मूवी है आंखें। यह मूवी आई थी 1993 में और इस मूवी के बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट 2 करोड़ था और इस मूवी ने टोटल कलेक्शन किया था 13,50,00,000 का और यह मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अगला मूवी की बात करें तो अगला मूवी का नाम है हम आपके हैं कौन और इस मूवी को रिलीज किया गया था 1994 और इस मूवी का बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट 6 करोड़ था और इस मूवी ने टोटल कलेक्शन किया था 72,48,00,000 का और यह मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अगला मूवी है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। यह मूवी आई थी 1995 में और इस मूवी का बजट की बात करें तो इस मूवी को 4 करोड़ की बजट पर बनाया गया था और इस मूवी का टोटल कलेक्शन है 53,32,00,000 का और यह मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगला मूवी है राजा हिंदुस्तानी। यह मूवी आई थी 1996 में और इस मूवी के बजट की बात करें तो इस मूवी को 6 करोड़ की बजट पे बनाया गया था और इस मूवी ने टोटल कलेक्शन किया था 43,20,00,000 का और यह मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगला मूवी है कुछ कुछ होता है। यह मूवी आई थी 1998 में और इस मूवी के बजट की बात करें तो इस मूवी को 14 करोड़ की बजट पे बनाया गया था और इस मूवी ने टोटल 46,88,00,000 का कलेक्शन किया था और यह मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगला मूवी है गदर एक प्रेम का। यह मूवी आई थी 2001 में और इस मूवी के बजट की बात करें तो इस मूवी को 18 करोड़ के बजट पे बनाया गया था और इस मूवी का टोटल कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने 76,65,00,000 का कलेक्शन किया और यह मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगला मूवी की बात करें तो अगला मूवी का नाम है गजनी। यह मूवी आई थी 2008 में। अगर इस मूवी का बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट 52 करोड़ था और इस मूवी ने टोटल कलेक्शन किया था 114 करोड़ का और यह मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगला मूवी है थ्री इडियट और इस मूवी का बजट की बात करें तो इस मूवी को 55 करोड़ की बजट पे बनाया गया और इस मूवी का टोटल कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने टोटल कलेक्शन किया था 202,47,00,000 का और यह मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अगला मूवी है दबंग। यह मूवी आई थी 2010 और इस मूवी का बजट की बात करें तो इस मूवी को 42 करोड़ की बजट पे बनाया गया और इस मूवी ने टोटल कलेक्शन किया था 140,22,00,000 का और यह मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगला मूवी का नाम है धूम 3। यह मूवी आई थी 2013 और इस मूवी को 175 करोड़ की बजट पे बनाया गया था और इस मूवी ने टोटल
284 करोड़ 22 लाख का कलेक्शन किया था और यह मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगला मूवी की बात करें तो अगला मूवी का नाम है पीके। यह मूवी 2014 में आई थी और इस मूवी का बजट की बात करें तो इस मूवी को 85 करोड़ के बजट पे बनाया गया था और इस मूवी का टोटल कलेक्शन की बात करें तो यह मूवी ने टोटल 340 करोड़ 80 लाख का कलेक्शन किया था और यह मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अगला मूवी की बात करें तो अगला मूवी का नाम है बजरंगी भाईजान। इस मूवी को रिलीज किया गया था 2015 और इस मूवी का बजट की बात करें तो इसे 90 करोड़ के बजट पे बनाया गया था और इस मूवी का टोटल कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने टोटल 320 करोड़ 34 लाख का कलेक्शन किया था और यह मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगला मूवी की बात करें तो अगला मूवी का नाम है दंगल। यह मूवी आई थी 2016 में और इस मूवी के बजट की बात करें तो इसे 70 करोड़ की बजट पे बनाया गया था और इस मूवी का इंडिया का नेट कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने इंडिया से 387 करोड़ 38 लाख का कलेक्शन किया था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी ने चाइना से 1305 करोड़ 29 लाख का कलेक्शन किया था और यह मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। और दोस्तों सबसे आखिरी मूवी का नाम है बाहुबली 2। इस मूवी को 2017 में रिलीज किया गया था और इस मूवी के बजट की बात करें तो इस मूवी को 250 करोड़ की बजट पे बनाया गया था और इस मूवी का अगर इंडिया से नेट कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने इंडिया से 1030 करोड़ 42 लाख का कलेक्शन किया था। और अगर इसका वर्ल्ड वाइड यानी सारे जगह से इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन मिला के इसका कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने 1788 करोड़ का कलेक्शन किया था। और दोस्तों अगर दंगल का पूरा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो दंगल ने 2122 करोड़ का कलेक्शन किया था। देखा जाए तो बाहुबली ने सिर्फ इंडिया से ही 1000 से ऊपर तक का कलेक्शन किया था, वहीं दंगल ने इंडिया से 300 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन किया। अगर वर्ल्ड वाइड की कलेक्शन की बात करें तो दंगल ने पूरा वर्ल्ड वाइड ज्यादा कलेक्शन किया है 2122 करोड़ का और बाहुबली 2 का कलेक्शन की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो बाहुबली 2 ने 1788 करोड़ का कलेक्शन किया था। यानी अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में दंगल बाजी मार जाता है और अगर इंडिया का नेट कलेक्शन की बात करें तो दंगल बाहुबली के आसपास भी नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा और अगर कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ भी आपको कहना है नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।